उसे औलाद दे, कोई तकलीफ ना हो। तो मैं इतना कहता हूं कि जब भी लड़का हो या लड़के मुझे बता दे करो, मैं पैसे नहीं लेता, क्या सिर्फ बता दिया करो ताकि मैं कम से कम दो रकात दफन पढ़ूं और गोस्पा की बारगाह में जरा पेश करूं। मेरा ऐसा नियम है, क्या जो के साथ आए ना, मैं गोस्पा की बारगाह अर्ज करता हूँ, सरकार करम फरमाई, ये मेरे पास अभी तुमसे मांगता हूँ, गोस्पा अल्लाह से मांगते है। बताना ये है, तो जब भी लड़की होती है ना तो फोन नहीं आते। जनता भाई को बताऊं, लड़की होता ये क्यों, मैंने बोला लड़का आता तो मिठाई की पेटी लेकर आता, हजरत ये लीजिए, लड़का हुआ लड़का हुआ, लड़की होगी तो नहीं। अब सुनिए बसारत, रसूल पाक फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर में लड़की आती है ना, माँ बाप खुश होते, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज देता है, और माँ बाप को इतना सवाब, इसी तेर बार काबा से दीदार किया, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता, सीन तेर बार काबा से दीदार किया, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता। लेकिन हम मुंह फेरते, यही बच्ची है, और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद आपके घर लड़की आई तो आका मुस्कुराए सल्लल्लाहु, तो जब भी आका मुस्कुराए तो नूर निकलता था, सुभान अल्लाह है, नूर निकलता था। वो आका सल्लल्लाहु तआला का ये कमाल था कि जब पर से हमारे बदबू आती है ना, रसूल पाक के पर से मुबारक खुशबू आया करती थी, सुभान अल्लाह, हमारा तुम्हारा साया है, मेरे आका का साया नहीं था, सुभान अल्लाह। हमारे पर मक्खी बैठती ना, रसूल पाक के जिसको मक्खी नहीं बैठी, सुभान अल्लाह। ये कमाल हमारा तो क्या है, लेकिन रसूल पाक का थुक मुबारक मौला अली क्या के दुख रहे थे ना, आपने मस्जिद आके दुरुस्त हो गए, हजरत हबीब की आंखें अंधे हो गए, जो अंधे हो चुके थे, रसूल पाक ने लोगों तेल लगा दिया ना, तो आंखें दुरुस्त हो गई। अब कतदा की आंख तो बाहर आ गई थी ना, रसूल पाक ने लोगों तेल लगा दिया तो आंख दुरुस्त हो गई। लोग तेल में कमाल, आका सर से लेकर पेट तक मौजेदा ही मौजेदा। उनकी चची जान आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर बेटी आई, आका ने देखा कि चची जान गमगीन है, कहा चची जान क्यों गमगीन हो, अगर लड़का होता तो आप कुछ मुझे इनाम देते, क्या लेकिन लड़की आई तो कुछ नजरा नहीं मिलेगा, आका हर बात है चची जान नजरा नहीं कि तुम्हें जन्नत अता हर मारा हो। हजरत फातिमा के दुनिया में आने पर रसूल पाक चची जान को जन्नत की बसाता हमारे दुरुस्त मदीवाले सीधे राम मदीवाले। एक शख्स